नवरात्र पर्व के अवसर पर दुर्ग के सत्ती चौरा मंदिर से पंचमी पर शहर में निकाली जाने वाली भव्य चुनरी शोभा यात्रा की रूपरेखा की तैयारी देखने पुलिस विभाग ने दौरा किया। नवरात्रि पर्व के अवसर पर दुर्ग सत्ती चौरा दुर्गा मंदिर गंजपारा से भव्य चुनरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते इस बार आगामी विधानसभा चुनाव और लगी आचार संहिता को देखते हुए शहर की विभिन्न समिति लगभग 27 समितियों की आम राय से एक साथ चुनरी शोभा यात्रा निकालने का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग पुलिस से एएसपी अभिषेक झा, एडीएम मुकेश रावटे, दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव सहित बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचकर समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद ये तय किया गया कि सभी समिति द्वारा एक साथ पंचमी के दिन चुनरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी दी। विगत कई वर्षों से यहाँ दुर्ग शहर में चुनरी की रस्म होती है, जो चंडी माता मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो इस साल भी यहाँ पर की जितनी समितियाँ हैं वो लोग मिलकर उनको 9 दिन ना करके एक दिन पंचमी के दिन में करने वाले हैं, जिसका आज जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सर जो है और उनके द्वारा सीएसपी सर और अन्य स्टाफ के द्वारा जो है और एसडीएम साहब के द्वारा जाकर जो रूट है जहाँ से चुनरी यात्रा निकलनी है और चंडी मंदिर के पास में जाकर समाप्त होना है, उसके संबंध में जाकर निरीक्षण किया गया है और जो शासन के जो गाइडलाइन है और अभी आचार संहिता लगा हुआ है उसके संबंध में भी सारी समितियों को बताया गया है और अब उसको पूरा करने के लिए अभी प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।